नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो TTML में वापस जो है दोस्तों तेजी यहाँ पे लौटती हुई देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों बिग टाइम कंपनी का जो है क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलने वाला है, इस क्वार्टर टू के जो टारगेट हैं वो क्या देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम एक्सपर्ट की क्या राय देखने को मिल रही है, अभी के टाइम चार्ट का जो संकेत है आगे चलकर किस प्रकार का नजर आ सकता है, और अभी के टाइम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में किस प्रकार का प्रॉफिट यहाँ पे बनने वाला है वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जानकारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है, क्या कंपनी क्वार्टर टू में डिविडेंड बोनस कुछ पे आउट करेगी या नहीं। सबसे पहले दोस्तों अगर देखा जाए तो आज की जो ओपनिंग देखने को मिली वो 97 रुपये 55 पैसे के साथ यहाँ पे देखने को मिली। लास्ट क्लोजिंग 97 रुपये 5 पैसे पर रही, पर 98 रुपये 90 पैसे तक आज की मार्केट में जो बड़ी जंप थी वो यहाँ पे देखने को नजर आई। 97 रुपये 60 पैसे तक मार्केट गिरता हुआ भी देखने को मिला, पर क्लोजिंग जो देखने को मिली 97 रुपये 50 पैसे पर यहाँ पे जो देखने को मिली क्लोजिंग मार्केट की, और 0.46% की रिटर्न्स पर तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आई। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले जो 5 दिनों का जो मार्केट है आप लोगों को नजर आने वाला है वो काफी अच्छा देखने को मिला था, उसमें जो तेजी देखने को मिली 101 रुपये 40 पैसे की। उसके बाद जो देखने को नजर आया कि मार्केट लगातार टूटता हुआ देखने को मिला, आज फिर से रिकवर हुआ, और लास्ट अगर देखा जाए तो 1 महीने की बात की जाए तो 108 रुपये तक मार्केट जो है बड़ी तेजी को भी दिखाता हुआ नजर आया था, अच्छा संकेत यहाँ पे मिला था। पर मैंने दोस्तों आप लोग को ये बताया था कि मार्केट में जब बड़ी तेजी अगर चलती है तो मार्केट में दोस्तों ओवरट्रेस का जो गेम है वो यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ सकता है, और वही यहाँ पे दोस्तों TTML में काफ़ी बड़ा ऑपरेटर्स का जो गेम था वो हम लोग को यहाँ पे नज़र आया। पर पिछले जो 5 से 7 जो दिन का जो फंडामेंटल नज़र आया उसमें जो देखने को नज़र आया कि मार्केट जो देखने को नज़र आया था वो वीक देखने को मिला। क्वार्टर वन के बाद जो है लगातार कंपनी के फंडामेंटल में गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, और कंपनी का अभी टाइम जो देखने को मिला कि लास्ट पिछले 8 क्वार्टर्स के रिजल्ट में कंपनी ने लॉस मेकिंग का जो कार्य है वो यहाँ पे किया है। क्योंकि दोस्तों पिछले 2 साल में लगातार जो है कंपनी को किस प्रकार का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को क्वार्टर्स के रिजल्ट में नज़र नहीं आया। फिलहाल कंपनी में जो देखने को मिला कि सेल्स की जो ग्रोथ वो भी काफी कम देखने को नजर आ रही है, सेल्स की ग्रोथ में कंपनी को अभी के टाइम जो है सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि लगातार अगर यहां पे देखा जाए तो कंपनी में दोस्तों जो है कर्ज काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया, कर्ज के अगर विपरीत अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर होता हुआ आज देखने को नजर आया। 19,000 करोड़ का जो है मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुका है, पर अभी टर्म कंपनी का दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टर्म्स में प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए शॉर्ट टर्म अगर लास्ट 6 महीने में अगर डेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसमें रिकवर हुआ जो प्राइस है 33 रुपये 35 पैसे रिकवर हुई प्राइस देखने को मिली, हाइएस्ट 108 रुपये देखने को मिली। वर्तमान में रिटर्न की बात की जाए तो 52% का जो रिटर्न है वर्तमान में लास्ट 6 महीने में रिकवर हुआ, और अभी के टाइम जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो 291 रुपये वाली प्राइस पर भी दोस्तों काफ़ी बड़ी जो होल्डिंग है करोड़ों की होल्डिंग अभी के टाइम देखने को नज़र आ रही है। कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला कि ये जो प्राइस है वो कब तक रिकवर होगी, तो दोस्तों उस चीज़ के लिए आप लोग को मैं बताऊँ कि कंपनी में आने वाले दोस्तों 1 साल का जो है इंतज़ार आप लोग को करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो कर्ज है वो अभी के टाइम 18,000 करोड़ के बावजूद यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी में ओवरड्राफ्ट का जो गेम है वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आया, पर अभी टाइम पिछले टाइम कंपनी को जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे साइन हुए थे जो बड़ी डील यहाँ पे देखने को मिली थी कंपनी ने दोस्तों उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी तक जो है कोई भी जो प्रोजेक्ट स्टार्टअप पर जो है कार्य यहाँ पे नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी इन प्रोजेक्ट्स पर अभी तक जो है कार्य यहाँ पे नहीं कर रही उसके बावजूद अगर यहाँ पे मार्केट कैप में इजाफा देखने को नजर नहीं आ रहा तो यही सबसे बड़ी नेगेटिविटी रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दो चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर। और दोस्तों फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में जो सेलिंग ऑर्डर का आज फिर से यहाँ पे जो फंडामेंटल है वो नज़र आया है, फिलहाल बाइंग ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पर फिलहाल दोस्तों पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में कंपनी जो है लगातार जो लॉस मेकिंग का जो कार्य है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करती हुई नजर आई। पर कंपनी में अगर यहाँ पे देखी जाए तो बड़ी डिलीवरी यहाँ पे देखने को नहीं मिली, 44.5% की डिलीवरी आज के मार्केट पर यहाँ पे देखने को मिली है। दोस्तों फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को आगे चलकर नजर आ सकता है, कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट बन सकता है। रीज़न ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है कंपनी टेलीकॉम सेक्टर पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे लगातार जो है मैनेजमेंट को करती हुई नजर आई है। कंपनी में अभी के टाइम जो देखने को नजर आया कि सबसे बड़ा जो है कंपनी का जो है लगातार जो है जो लेट टाइम से यहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट्स पर कार्य करती है, दोस्तों कंपनी जो है प्रोजेक्ट्स पर कार्य स्टार्ट करने में देरी यहाँ पे कर रही है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा वीक यहाँ पे नजर आया, ये काफ़ी ज़्यादा जो है पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में देखने को मिला। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट की राय है वो भी यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी
कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रहा है। पर कंपनी में बिग टाइम जो देखने को मिला कि पिछले टाइम साइबर से सिक्योरिटी पर दोस्तों कंपनी ने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे साइन किए थे, उसके पहले दोस्तों कंपनी ने जो है ब्रॉडबैंड को लेकर यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट साइन किए थे। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपनी ने जो डील थी वो यहाँ पे फाइनल की थी। कंपनी लगातार दोस्तों पिछले जो है 3 से 4 महीने में 5 से 6 जो प्रोजेक्ट्स है वो साइन किए, पर अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट पर जो है कंपनी ने जो है कार्य यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि दोस्तों उन प्रोजेक्ट्स का जो बजट था वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। और फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।